एक लाइन में आपको मैसेज देना हो उत्तर प्रदेश के अपने सारे छोटे भाई बहनों को कि भाई मेरा विद्याकुल के साथ ये एक्सपीरियंस रहा, आपको भी सेम एक्सपीरियंस डिलीवर हो सकता है, कैसे क्या बताना चाहोगे? पहली बात तो ये, खुद पे बिलीव करो। वेरी गुड। टीचर पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करो उस पे। जो पढ़ा रहा है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहले तो उनको ज्ञान है, उसको एक्सपीरियंस है सर जी, है ना, वो कुछ गलत आपको पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो मतलब वो सही जगह रास्ता बता रहे हैं। ये कहना चाहूँगा, विश्वास नहीं अंधविश्वास करो। और ऋषि सर हिंदी वाले, ऋषि सर हिंदी वाले, ऐसी क्या बात है आचार्य ऋषि में? आचार्य ऋषि में ठोक के कहते थे क्वेश्चन आएगा पढ़ ले बेटा। कितना ठोक के? अरे अब सीना ठोक के बोल देते, सीना ठोक के कहते थे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वो देखा पेपर में दिखने के लिए मिला? मतलब जैसे उन्होंने बोला ये क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका भाई आपका प्यारा शिक्षक मुकेश सर, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के एक विद्यार्थी के साथ, जिसने इस वर्ष प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। और हर वर्ष की भांति जब हम टॉपर्स के इंटरव्यू लेने निकले तो इस साल हमें एक ऐसा बच्चा मिला है जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके स्टेट में 9वीं रैंक लाया है। बच्चा पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और अपने सभी विषयों की तैयारी के लिए बहुत सीरियस होकर साल भर मेहनत की। तो प्यारे बच्चों, आज हैं हम कानपुर देहात के सोनासी गांव में, जहां पर एक बालक है जिसने घर पर ही रह करके, स्पेशली सबसे बड़ी बात है घर पर ही रह करके, केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ करके पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। इस इंटरव्यू में हमारे अखिल भैया भी हमारे साथ हैं। और प्यारे बच्चों, ये यात्रा विजय यात्रा चलती रहेगी, दोनों भाई मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे और ऐसे टॉपर्स के बीच पहुँचेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? दीपक पाल। दीपक पाल, कितने नंबर टोटल आपके आए? 481। प्रदेश में कौन सा स्थान? 9th पोजीशन। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से थे। इंग्लिश मीडियम से थे। तो आप स्कूल जाते थे रेगुलर? रेगुलर स्कूल नहीं जाता था, बंक कर देता था कभी। अच्छा, स्कूल कभी कभी बंक हो जाता था। तो घर पे ही पूरी पढ़ाई की? यस सर। कैसे पढ़ाई की घर पे पूरी? सर पहले लेक्चर देखते थे, लेक्चर के बाद फिर जो मेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता था, इसके बाद मैं पीवाईटी वगैरह लगाता था या जो बुक होती थी न्यूमेरिकल वाली वो कर पाते थे। तो केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपने इतना भरोसा था कि हमारे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे? यस सर, पूरा भरोसा था। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेटा देखो, जिन बच्चों को अपने पे भरोसा होता है वो कर लेते हैं, घर बैठे पढ़ाई की। पिताजी पेशे से किसान हैं, घर के काम भी करवाए होंगे, घर के कामों में भी हाथ बटाया होगा, लेकिन अपना एक टारगेट था, अपनी मेहनत पे भरोसा था कि हम कर दिखाएंगे। 10वीं में बेटा तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, 10वीं की घटना बताओगे? ये सर, मेरे आर्ट और सोशल साइंस में नंबर कम रह गए थे, वैसे जो टीसीएम था ना उसमें सर 96 नंबर थे। भविष्य में क्या सपना सोच रखा बेटा? सर जेई करके फिर वहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी करें। जेई की? जेई की तैयारी कैसे करोगे? सर अभी ऑफलाइन जाएंगे कानपुर में, काका देव में। अगर आपका कोई आ गया ऑनलाइन बैच वगैरह तो जरूर ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, हमारा एक बैच आएगा बालक बहुत जल्द, हम लोग जेई और नीट पे भी जाने वाले हैं। बाकी प्रश्न अखिल भैया भी आपके उठाएंगे। अखिल भैया, साथियों आज का जो इंटरव्यू है ये ऐसे सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला होगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, और जिनके पास उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर इंग्लिश मीडियम का अब तक क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो मैं आज जो भी सवाल भाई से पूछने वाला हूँ वो आपके स्टडी रिलेटेड होंगे कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम में रहते हुए इन्होंने रैंक बनाई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का अधिकतर ये प्रश्न रहता है मुकेश सर कि सर क्या इंग्लिश मीडियम में रह के उत्तर प्रदेश बोर्ड में रैंक बनाना पॉसिबल है। आप में से यदि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी हेल्प आपको इस इंटरव्यू से मिलने वाली है। यार मेरा पहला सवाल से ज़्यादा कहूँगा कि मेरी उत्सुकता ज़्यादा है ये जानने में कि इंग्लिश मीडियम क्यों लिया, मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंग्लिश मीडियम क्यों लिया, मेरी उत्सुकता है जानने के लिए। सर पहले हम मतलब 1 से 7 तक पढ़ा, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, यहाँ पे बिल्लौर के साइड चुरसा है एक स्कूल, उसका नाम एम ए वी मानव तिश्री विद्यालय चुरसा। फिर यहाँ पे एक दादा थे, उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम है, तो ये पता चला कि ये सीबीएसई बोर्ड ये भी है जहाँ पढ़ते थे आर पी सी इंटर कॉलेज, तो बाद में पता चला ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। तो सर ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में इंग्लिश बोर्ड में कंटिन्यू किया था इंग्लिश मीडियम में, और उसी के बाद 10th और 12th में उसे परस्यू कर लिया, आगे बढ़ा लिया। अच्छा, किस तरह के चैलेंजेस आए, क्योंकि गांव में जब तुम देखते होगे तो तुम्हारे अधिकतर जो साथी होंगे वो हिंदी मीडियम से रहे होंगे, इसे ले लो आप, अधिकतर जो साथी होंगे मैं समझता हूँ
यदि आपके 10 दोस्त होंगे तो उनमें से 9 हिंदी मीडियम के होंगे, 1 अकेले आप इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी ऐसी जो निकल के आती है मुकेश भाई, वो ये कि बच्चे ग्रुप स्टडी जब करते हैं तो उसमें ऐसा बच्चा अकेला रह जाता है, है ना? तो इस तरीके के कोई चैलेंजेस है बताओगे? स्टडी की नहीं, पहली बात तो लड़कों से बनती ही नहीं थी, लड़कों से बनती नहीं थी, अलग हो जाते थे सर। क्यों, क्या वजह रही? मतलब इसलिए कि इंग्लिश मीडियम को इस बात का अहंकार था या अहंकार नहीं था? जैसे हम लोग बैठे बीच में, कोई दादा वगैरह आ गए, कुछ पूछा तो बता दिया, तो लड़के खुद ऑटोमेटिक हट जाते थे वहाँ से, लड़के ऑटोमेटिक हट जाते थे कि यार ये हमसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसके साथ हमारी बनेगी नहीं। तो ग्रुप स्टडी कभी नहीं करी? खुद अकेले ही पढ़ते थे। अच्छा, जब ये पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो आसपास भी हेल्प बहुत मुश्किल मिल पाती होगी। जब हम आपके गांव आ रहे थे तो हमने देखा कि लगभग 40 किलोमीटर लंबी तो ये नहर है जिस पे हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, और आसपास कोई भी गांव नहीं है, है ना? तो मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग का तो यहाँ आसपास 40-50 किलोमीटर कोई सवाल उठता ही नहीं। तो आपके पास जो एकमात्र ऑप्शन रहा वो ये था ऑनलाइन। ऑनलाइन में यार हमसे मुलाकात कैसे हुई, कैसे विद्यागुल परिवार से टकराए, कैसे मुकेश सर से मिले, कैसे मुकेश सर की इंटायर टीम से मिले, कैसे फिर मुकेश सर पे भरोसा करा कि भैया मुकेश सर उत्तर प्रदेश के अंदर क्वालिटी एजुकेशन का ये जो झंडा लेके निकले हैं, ये झंडा ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, और इसी झंडे के नीचे मुझे पढ़ना है, ये सब कैसे शुरू हुआ? सर ऐसे पहले इसको जब नाइन्थ में था मैं, तो नाइन्थ वगैरह में सब शायद इंग्लिश मीडियम का चैनल नहीं था, तो हम स्कूल क्या करते थे, कोई चैनल मिल जाता था जिसने थोड़ा बहुत एजुकेशन का नॉलेज दे दिया तो उससे पढ़ लिया टेंथ तक सर। अच्छा एक मिनट रुको, सब्सक्राइब करते थे? सबको सब्सक्राइब करते थे? सब्सक्राइब नहीं करते थे, ऐसा नहीं सब्सक्राइब करें, मतलब पता चल जाता था ये चैनल बढ़िया है तो उसको कर लिया सब्सक्राइब। बढ़िया के क्या, कैसे पता चलता है कि चैनल बढ़िया है? हमको अच्छा एजुकेशन नॉलेज दे सके सर, है ना? जो भी आपको अच्छी नॉलेज दे सके, कंटेंट जो बढ़िया डिलीवर करेगा ना, उसी को तो बच्चा बार बार देखेगा। बराबर है, ठीक। आपने 1.5 घंटे का लेक्चर लिया, उसमें समझ में नहीं आया कुछ भी, तो उसको देखने से दोबारा क्या फायदा? बर्बाद, और डाटा भी बर्बाद, यहाँ इंटरनेट भी नहीं सही से मिलता, चलिए इंटरनेट भी नहीं मिलता। फिर मैंने हाई स्कूल में सर ऑफलाइन कोचिंग की थी, मतलब मैथ और इंग्लिश की, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, ऑनलाइन कोचिंग की। वो फिर स्कूल कर रहे थे, एक बार इंग्लिश मीडियम का पहले विद्याकुल देखा था, एक बार मतलब इंटरव्यू वगैरह देखे थे बच्चों की, कैसे मतलब पढ़ते हैं बच्चे। और आज तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है खुद का। ऐसे एक टीचर थे ना मेरे, तो मेरे नाइन्थ में थे, मतलब थोड़ा मैं शैतान बच्चा था, तो दिख रहे हो, तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम बहुत बड़े लूजर हो। लूजर हो क्यों ऐसा बोला था उन्होंने? लूजर हूँ किस क्यों लूजर किसी मतलब गुस्सा हो गए होंगे हमसे किसी बात पे, तो उन्होंने बोला तुम बहुत बड़े लूजर हो, लेकिन उनके लिए एग्जांपल हूं मैं, लूजर नहीं हूं। तो लाइफ में जो चेंज आया वो उसी दिन से आया? सर, उसी दिन से आया था। तो कहीं ना कहीं वो बात दिल पे लग गई कि यार लूजर नहीं हो। हाँ, टेंथ में ही दिखाना था, लेकिन टेंथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया, नहीं हो पाया मेरा। इसमें 86% बने थे, लेकिन वहाँ से मेरा इंटेंशन था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। वापस आते हैं वहीं पे जहाँ से शुरू हुए थे। आपने कहा कि भाई टेंथ में मैंने देखा इंटरव्यू, देखे इंटरव्यू देखने के बाद फिर पहला लेक्चर किसका देखा? पहला विद्याकुल में सर, तो मैं उसमें हिंदी मीडियम के था ना, बात ही है हिंदी मीडियम। तब तक हम हिंदी, तब तक मुकेश सर आपने हिंदी मीडियम किया हुआ था? शुरू किया है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और अभी भी कोई नहीं आगे आ रहा है जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा बेटा कहीं ना कहीं CBSE के बच्चों के साथ पढ़ता है, ICSE के बच्चों के साथ पढ़ता है, और फिर वो कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न और सिलेबस कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। अब जैसे सर एग्जाम पैटर्न है वो अलग है उसका ना, PYQ अगर आपको ज़्यादा अगर कोई नहीं मिल रहा था तो हम PYQ तैयारी करते थे, PYQ लगाए तो उससे पता चल जाता है कितना कैसा कंटेंट। हमने बेटा यही सोच के पिछले साल से यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम शुरू किया। जब हम कितने लेक्चर देखे, जब भरोसा बना कि यार विद्याकुल ही, मुकेश सर ही मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कितने लेक्चर देखने हमने इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा देखा नहीं, हम तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाला देख लेते थे, क्योंकि देखिए मैथ में क्या है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे। बेटा गौर से सुनना, अब जो जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बताओ प्लीज। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो साइन वही रहेगा, है ना? डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन DY/DX लिख के मिलेगा सर जी, और उसमें क्या क्वेश्चन ही देखना है, तुम्हें सॉल्व करना है बस, समझाएंगे वही तरीका लगाना है। अब वो अगर लिखा रहे हल तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन लिखना है, उत्तर की जगह आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से मतलब देखा जाए जो अधिकतर बच्चों के साथ है कि सबसे पहले वो चैनल से, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कंटेंट ढूंढते हुए चैनल पे आता है, फिर चैनल पे आके वो भरोसा बनाता है, कहता है भाई यही वो टीम है जहाँ से मुझे पढ़ना है। लेकिन YouTube पे क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कोर्स पॉसिबल नहीं है, फिर वहाँ से ऐप की एक जर्नी होती है, बच्चा ऐप स्टार्ट करता है, फिर बैच ज्वाइन करता है, वो एक जर्नी हो गई। अच्छा अभी इस इंटरव्यू से पहले जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे
तो बात चल रही थी फेवरेट सब्जेक्ट की, तो आपने कहा था कि सर सारी सब्जेक्ट फेवरेट हैं, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है सारे, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था जहाँ पे आपने डंके की चोट पे कहा था कि सर मुझे उन सर का कंटेंट और उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत पसंद आया, कौन सर है? ऋषि सर, हिंदी वाले। ऋषि सर है हिंदी वाले, ऐसी क्या बात है आचार्य ऋषि में? आचार्य ऋषि में ठोक के कहते थे क्वेश्चन आएगा पढ़ ले बेटा। कितना ठोक के? अरे अब सीना ठोक के बोल देते, सीना ठोक के कहते थे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वो देखा पेपर में दिखने के लिए मिला? मतलब जैसे उन्होंने बोला ये क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पोस्टमार्टम करते हैं वो क्वेश्चन का कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन निकल सकते हैं, है ना? कैसा लगा सब सारे टीचर से पढ़ के? अगर एक लाइन में आपको मैसेज देना हो उत्तर प्रदेश के अपने सारे छोटे भाई बहनों को कि भाई मेरा विद्याकुल के साथ ये एक्सपीरियंस रहा, आपको भी सेम एक्सपीरियंस डिलीवर हो सकता है, कैसे क्या बताना चाहोगे? पहली बात तो ये, खुद पे बिलीव करो। वेरी गुड। टीचर पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करो उस पे। जो पढ़ा रहा है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले तो उनको ज्ञान है, उसको एक्सपीरियंस है सर जी, है ना? वो कुछ गलत आपको पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो मतलब वो सही जगह रास्ता बता रहे हैं। ये कहना चाहूंगा, विश्वास नहीं अंधविश्वास करो, सीधी बात। बहुत अच्छे। अब यहाँ से आगे की तैयारी आपकी जेई की है? यस सर। जेई में सीट निकाल के यूपी बोर्ड का नाम रोशन करना है, वही सब कुछ है। अच्छा यार, गोल क्या है लाइफ में, कुछ सोचा है? जेई तो हो गया कि एक शॉर्ट टर्म गोल है कि अभी जेई निकालना है, कुछ इससे आगे का देखा है कि यार जेई के बाद में ये कर रहा हूँगा? कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो सिविल सर्विसेज की तैयारी वहीं से। सिविल सर्विसेज, यार ये क्या कहानी चल रही है, जिधर देखो यूट्यूब पे शॉर्ट्स ऐसे करो सिविल सर्विसेज, कुछ भी करो सिविल सर्विसेज, नीट करके बच्चा सिविल सर्विसेज जाना चाह रहा है, जेई करके सिविल सर्विसेज जाना चाह रहा है, क्यों व्हाई सिविल सर्विसेज, व्हाई ओनली सिविल सर्विसेज, सिर्फ यूपीएससी क्यों? यूपीएससी हमने यूपीएससी तो बोला नहीं, मतलब सॉरी सिविल सर्विसेज ही क्यों सर? मतलब सिविल सर्विसेज ये है कि आप मतलब कि डाउन टू अर्थ रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे ना। क्यों यार, ग्राउंड टू अर्थ कैसे रहोगे? तुम्हारे सर के ऊपर एक इतनी बड़ी बत्ती होगी, एक गाड़ी चल रही होगी पीछे, आगे पीछे, ग्राउंड टू अर्थ कैसे रहोगे? हम बताएं आपको कैसे रहेंगे। जैसे हम गाँव के हैं, ठीक है ना, जो अब एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करोगे? हर बच्चा यही दावा करता है कि मैं यूपीएससी करके सिविल सर्विसेज करके सिस्टम बदल दूंगा। अगर सबसे पहले वो यदि कुछ बदलता है तो वो अपनी किस्मत बदलता है। बड़ी बड़ा बंगला बना लोगे, बड़ी कोठी बना लोगे, चार ठो गाड़ी रख लोगे, ढो ढंगर है ये 20-21 ढो ढंगर हो जाएंगे। शिक्षा कहते हैं फ्री एजुकेशन देते हैं, हम लोग क्यों अपना बिजनेस बढ़ाएंगे? राइट, ये बात ना, फ्री एजुकेशन देंगे सर, तो सर इन्हीं से हम लोग मोटिवेट होते हैं सर देख के। तो क्या करोगे ऐसा, अब बताओ करना क्या है, लोगों बदलाव कैसे लाओगे? देखो एक तो हो गया, मैंने कह दिया कि भाई मैं दुनिया बदल दूंगा, ये तो हो गया, मैं खाट पे लेटा है, दो गिलास छाछ पी, लस्सी पी, और अब सपनों में आज दुनिया बदल गई, मैंने अपना गांव बदल दिया, नायक पिक्चर की तरह निकल गया। बदलोगे क्या? ऐसे क्या दो स्टेप होंगे जिन्हें सबसे पहले तुम इम्प्लीमेंट करोगे? कल रात एक इंटरव्यू कर रहे थे गुड़िया का, उसका भी सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था। मैंने उससे एक सवाल पूछा था कि गुड़िया ऐसे समझो कि आज तुम्हारी नियुक्ति हो गई, ठीक, एग्जाम निकल गया, नियुक्ति पत्र आ गया, ट्रेनिंग वगैरह सब काम खत्म हो गया, अब तुम पहले दिन अपनी सीट पर बैठने वाले हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू विल टेक शिक्षा में बदलाव के लिए? शिक्षा में पहली बात तो देखो, शिक्षा में अब तो बहुत लोग टीचर्स आगे आ गए हैं जो मतलब फीस वगैरह कम कर दी है, तो ऑनलाइन पहली बात तो ओरिएंटेड होता जा रहा बच्चा है। वैसे तो यही तो है, फ्री एजुकेशन ही। फ्री एजुकेशन क्यों देना चाहते हो, मेरा तो यही सवाल है, फ्री एजुकेशन क्यों देना है? फ्री एजुकेशन से आप देखिए मेरे गांव में मतलब मेरे हिसाब से अच्छा फ्री चीज की वैल्यू होती है? बिल्कुल, क्यों नहीं वैल्यू होती है, जिसको अच्छा बताओ कैसे कंटेंट अच्छा, अगर कंटेंट ना चाहता यूट्यूब से मैंने पढ़ा है, मैंने तो बैच भी नहीं लिया था, जब कंटेंट अच्छा मिलेगा बच्चा खुद ऑटोमेटिक से होगा। फ्री मतलब फ्री क्यों, फ्री की वैल्यू बताओ कैसे? देखो ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे फ्री अगर तुमने महंगी चीज दी होगी ना सर, आप महंगा दोगे तो उसको लगता है कि वैल्यू है। फ्री चीज अगर कुछ भी मैंने कुछ कमाया सर, मैंने अपने भाई को दे दिया एक कॉपी ले ले, तो उसको वो पता नहीं मतलब कैसे किया है ना, मैंने कोई बुक उठाई फ्री दे दी उसको, तो उसे लगेगा ये फालतू की बुक होगी हमें दे दी है। जब बच्चा वही खरीदता है ना उसकी वैल्यू पता चलती है, लेकिन फ्री का मतलब जैसे ये है, अगर बढ़िया बुक है ना, अब फ्री मतलब ये ही नहीं है कि जैसे 50,000 की कोई मतलब कोर्स मिल रहा है, आपने 5,000 कर दिया, वो उस जो बच्चा 50,000 नहीं खरीद सकता है ना, 5,000 उसके लिए फ्री के बराबर है। वेरी नाइस, वेरी गुड, सुपर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एजुकेशन अफोर्डेबल बनानी है, हर बच्चा पढ़ सके, फ्री के बराबर लाके एजुकेशन को खड़ा करना है। वेरी नाइस। अच्छा, कोई भी एक मैसेज उन सारे बच्चों को जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कुछ सपना टूट गया इस बार के रिजल्ट में, है ना, क्योंकि तुमसे बात करके बहुत मजा आया दोस्त, और अभी भी आ रहा है, ऐसे सारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनका सपना टूट गया है, जो कहीं ना कहीं निराश हैं कि सर
चार नंबर से रैंक बनने से रहेगी, तीन नंबर से रैंक बनने से रहेगी, उनके लिए तुम क्या मोटिवेशन दोगे? सर ऐसा होता ना, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, अगर मिलनी होती मुझे टेंथ में ही मिल जाती, तो अगर जैसे आप चार नंबर से पीछे रह गए ना, तो वो बच्चे अब हमसे ज्यादा मेहनत करेंगे, हमें पता है, क्योंकि मेरी रैंक नहीं आई थी ना टेंथ में, तो हमने और दुगनी मेहनत कर दी थी, है ना, क्योंकि लाना होता, माइंड सेट हो जाता है ना कि हमें करना ही करना है, तो सर उनको वो कमजोर नहीं हुए, उनको हम लोग हमसे ज्यादा मेहनत करेंगे, हमें पता है, लेकिन दोस्त हम भी मेहनत करेंगे बराबर। तो ये बात तुमसे कह दो कि डरना, हारना, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं हारना भाई, मोटिवेशन क्या अपने पेरेंट्स ऐसे करके बोलो कि हार कर रहे हो, मोटिवेशन वही तो बात है भाई, तो आपने मेहनत की, आपने मेहनत पे भरोसा रखो, बस आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा। मुकेश सर चलो बहुत बेहतर बेटा, आगे के लिए तुम्हें शुभकामनाएं हैं, और इसी तरीके से मेहनत करते रहो। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का साथियों ये पहला टॉपर मिला है, आज तक हम लोगों ने जितने भी स्टेट टॉपर्स के इंटरव्यू किए हमेशा हिंदी मीडियम माध्यम का बच्चा मिला, लेकिन अब जो हमने इस वर्ष शुरुआत की थी और सोचा था कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से टॉपर निकलेगा, तो वो ये बच्चा हमारा है स्टेट टॉपर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। और इस वर्ष हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी बढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बैच भी लाएंगे, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं गांव में बैठे हैं या कहीं भी हैं जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उन सभी बच्चों की हम जिम्मेदारी लेते हैं, एक पूरी अलग टीम बनाकर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे, ये हमारा आपसे वादा है बेटा। बस यही चाहिए था जो आज बच्चे ने कर दिखाया कि एक बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से स्टेट टॉपर मिला है, और पता नहीं कितने स्टेट टॉपर अभी और होंगे। हम निकले हैं अपनी विजय यात्रा पे, इसी प्रकार से गांव-गांव घर-घर जाते रहेंगे, जितने भी बच्चे पढ़ कर के स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाए हैं उन बच्चों के घर जाएंगे, और भी बच्चे हैं, आज तो मैं दो तीन बच्चों का मेरे पास कॉल आया है कानपुर से, जो बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं अपने घरों में केवल इस बात के लिए कि सर जी कानपुर आए हैं, क्या हमारे घर नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम कहां पर हैं ये लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, एक फ़ोन नंबर भी देते रहेंगे, आप लगातार फ़ोन करिएगा, बताइएगा कि सर जी हम यहां से हैं, हम आपके घर भी आएंगे, अब चाहे आपके नंबर कम भी आए तो भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर तो भी आएंगे, और मिलाते रहेंगे ऐसी प्रतिभाओं से, गाँव में ऐसी प्रतिभाओं से, घर घर की ऐसी प्रतिभाओं से, ये विजय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में, सभी को धन्यवाद।